क्योंकि अब मैं नहीं जा रही हूँ। देखा इशारा, बोली थी चिली पटेटो। मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ। स्मार्ट हो तभी तो मेरे साथ हो। अच्छा। 19th March 2024। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सबके बढ़िया काम बन रहे होंगे, सबका खैर छोड़ो। अभी यहाँ पे बन रहा है चीला, बहुत टाइम के बाद बन रहा है यहाँ पे चीला। चीला बन रहा है ना, बेसन का है, सूजी का है, बेसन का। और सुश्री स्कूल जा चुकी है अभी। कुछ लोग सोचेंगे एग्जाम हो चुके हैं, एग्जाम उसका लास्ट नहीं मिलता के बर्थडे पे एक्चुअली हो चुका था। अभी जो हो रहा है ना सारी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे लाइक फैंसी ड्रेस हो गया, आज कुकिंग का है, 22 तक है। और 22 को गाइज मैं, मुझे भी जाना है एक जगह, लाइव आर्ट है मेरा, तो उसे कहेगा तो मैं व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा। ब्रेकफास्ट नहीं जा रही हूँ गाइज। नहीं, ये जा सकती है गाइज। नहीं जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। जा सकती है गाइज। नहीं जा रही हूँ, ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि अब मैं नहीं जा रही हूँ, देखा इशारा, क्योंकि अब मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि इसका नेल निकल चुके हैं, नेल आर्ट का। क्योंकि अब मैं नहीं जा रही हूँ। यही ना, देखो इसकी हंसी बता रही है। इन्होंने मना किया था? मैंने मना नहीं किया था, मैंने कहा देखते हैं, जाए को जा भी सकते हैं, आप जा भी सकते हो, मैं प्लान करूंगा। मेरा चीला अच्छा बन जाएगा, पहले वाला हमेशा खराब ही होता है। तो चलो गाइस, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, मैं जा रहा हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए, लेके आ रही है ब्रेकफास्ट बना के। 2 hours later। देखो कैमरा ऑन करते ही चुप, वरना काओ 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 काओ। और गाइस दिस इज माय फ्रूट टाइम। कोई ये बोलेगा कि ये आदमी सारा दिन खाने पे ही क्यों रहता है, बस खाना। चलिए टाइम के बाद बना रहा हूँ मैं, एडिटिंग कर रहा था, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी सी झपकी ली, एक खराटा लिया, मतलब कि वही झपकी चाहिए होती है 5-10 मिनट की। बीवी कर रही है यहाँ पे लंच की तैयारी। क्या जिंदगी हो गई है, बस किचन खाना। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वाह 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 वाह, आपको तो यहाँ नहीं सिंगर होना चाहिए। तो मैं फ्रूट खाता हूँ, मुझे जाना है मैं जिम, थोड़ा सा वर्कआउट करके आता हूँ, फिर जाऊंगा रात। हालांकि मेरे स्टोन का पेन हो रहा है हल्का। After workout. तो गाइस अगेन ये है मेरा तीसरा टाइम खाने का। खाना राजवीर का खाना। तो खाने में आज मेरी बीवी ने बनाया है, देखो भाई मस्त स्वाद ले लो भाई, आप लोग टेस्ट दूर से देख सकते हो। ये है आलू चने की सब्जी, भरपूर प्रोटीन वाली, और ये मेरे राइस, और ये है दही। तो बस यही मेरा खाना है प्रोटीन वाला, अभी जिम करके आया हूँ मैं। तो गाइस सिस्टी आ चुकी है, और ये देखो मिस्टर शेफ बनी है ये, आज कुकिंग की एक्टिविटी थी। मास्टर शेफ क्या बनाया आज? और ये सैंडविच बनाया, और ये क्या बनाई है इसकी मम्मी ने, टैलेंट दिखाया अपना, जो कि पूरी खिली पड़ी है। मजाक उड़ा रहे हो? नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ, अच्छी बनाई है। टाइम कितना कम था, इतनी भी बनाई है मैंने, इतनी बनाई है, अच्छी लग रही, थोड़ी सी खिली हो रही है, हो गई है बैग में रखने से। हाँ चलो, और ये सुबह ही मैंने बनाई है, बहुत अर्जेंट। मैं पता किसी का केचप नहीं करना, इसके ऊपर ना वो बना देती, एक दो स्माइली। हाँ समझ गया मैं, स्माइली बनाई थी, और किसी की वो ली थी चिली पटेटो। वो ली थी, चलो वो ली थी। इतनी सारी डाल दी थी, मैम कह रही थी कितनी मिर्ची है, इसके एक्सप्रेशन देखा अगर चीज में। चलो बाय, मिलता हूँ शाम को। Few hours later. तो गाइस वर्कआउट करने का टाइम हो गया सेकंड वाला, और मैं अपनी बोतल लेके रेडी हो चुका हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, आज मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए इसको जिम गए हुए, अब इसको मुझे जबरदस्ती धक्का मार के लेके जाना पड़ता है, और जब इसको बोलता हूँ आप चलते नहीं है, आप बोलते ही नहीं। तो मैं इसको इसलिए ज्यादा फोर्स नहीं करता, मैंने कहा अपना काम कर रही है, तो मैं क्या बोलूं, मैं चला जाता हूँ। मैं अभी सिस्टी को खाना दे रही है, जितने खाना खाएगी इतने में हम एक घंटा वर्कआउट करके आ जाएंगे, पास में ही तो है जिम, ज्यादा दूर नहीं है। तो लैपटॉप ऑन कर दिया, अपना लैपटॉप ऑन करके ड्रॉइंग बना रही है, तभी खाना खाते बस इतनी देर में हम आ जाएंगे। तो गाइस मस्त वर्कआउट हो गया है आज, तो हिम्मता का भी मजा आ गया, मस्त मजा आ गया है ना।
गाड़ी तो आते ही है। गाड़ी की चाबी अभी के पास है, उधर से चलाने वाले हो क्या गाड़ी? तो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 1 और जिम से आने के बाद ना प्रोटीन पिया, डिनर किया और एडिटिंग करने में बैठ गया था और ये एडिटिंग कर रहा हूँ। देखो 1:15 नींद इतनी तेज आ रही है ना, मेरी आंख बंद हुई जा रही है क्योंकि सुबह की हेडेक मैं नहीं पालता क्योंकि मैंने 8 बजे अब अपना व्लॉग अपलोड करने का टाइम रख लिया है। कोशिश मेरी है कि मैं 8 बजे अपलोड कर दूं एनी हाउ, ये एक टाइम होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। होप सो मैं चीजें कर पाऊं क्योंकि जहां मैं बोल देता हूं वो चीज और मेरी और ज्यादा खराब हो जाती है। तो अभी मुझे डिमांड लग रही है कॉफी की और मेरी बीवी उधर है, अभी सोने गई है। अभी देखो इसका फोन चल रहा है साथ में, सोने गई है तो मतलब अभी सो ही नहीं है। अभी कहाँ चल रहा है, रुका पड़ा तो कहीं बाहर पहुंचा था। ये कौन सी गुड नाइट है? भाई मैं तो जा रहा हूँ कॉफी बनाने के लिए, सुबह झटझट रहा हूँ सुबह, लेकिन फिर भी मेरी आँख खुल जाती है, भागम भाग होती है। जल्दी कर सिस्टी, जल्दी कर ले सिस्टी, जल्दी कर ले, बस आ गई सिस्टी, जल्दी कर ले। दोनों माँ बेटी ना नींद खराब कर देती है चिल्ला चिल्ला के। तो गाइज ये ब्लैक रोस्ट कॉफी है, ये डाली 1 चम्मच कॉफी। और ना गाइज जब भी मुझे ब्लैक कॉफी बनानी होती है ना तो मैं ऊपर नहीं जाता, ये हमारा ये वाटर कूलर है तो इसमें मैं इसको गर्म पानी का प्लग लगा देता हूँ। इसमें गर्म पानी बहुत मस्त 2 मिनट के अंदर अंदर गर्म पानी हो जाता है तेज, और सारी सर्दी हमने इसी से गर्म पानी पिया है। पहले इसको अच्छे से शेक कर ले रहे हैं और इसमें डाला पानी गरम। तो गाइस ये मेरी ब्लैक कॉफी रेडी हो गई है विदाउट शुगर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, निकाल के पटक जाती है, खाती भी नहीं है। वो खाती हैं नीचे गिरा गिरा के निकाल के खाती हैं, नहीं यहाँ पे भी खा लेंगी वो, आती है यहाँ पे। तो गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है मेरे स्कूल का ऑफ क्योंकि आज के दिन मैंने अपना ऑफ रखा है ड्यू टू माई वर्क माई क्लासेस। और आज बन रही है मेरी फेवरेट सब्जी। अब ये बोलेगी हर सब्जी आपकी तो फेवरेट बनती है, मेरी तो कुछ बनती नहीं है ना। कल छोले चने चने और आलू आपकी फेवरेट नहीं थे? आपने खुद ही ने बोला था मैं वो बनाऊंगी आज कल सब्जी, दूसरों को खाते देखते खुद आपका मन कर रहा था वो वाली सब्जी बनाऊंगी। इसको देख के मुँह में पानी आ रहा है। और आज गई है सृष्टि मूवी देखने स्कूल की तरफ से। देखो भाई क्या मौज हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, आइसक्रीम होगी और पॉपकॉर्न वगैरह तो मिलते ही है साथ में, है ना। मौज है भाई, हमारे टाइम में कहाँ मूविया दिखाने ले जाते थे स्कूल में, पिकनिक घुमा ले जाते थे अप्पू घर। स्कूल में जाती है ना मूवी देखने तो वहाँ पे पॉपकॉर्न और मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती ही है, और जब हमारे साथ जाती है ना तो कहती है थिएटर में पहुंचते मम्मी आज तो पॉपकॉर्न मिलेंगे खाने को उसको ये पता है कि मतलब मूवी देखने बैठते हैं तो पॉपकॉर्न आते ही आते हैं। तो चलो अच्छी बात है, हमारे टाइम में तो हम अप्पू घर में जाते थे, चिड़िया घर में जाते थे, रो रो के कोई भेज देता। हाँ कैसे परमिशन ले रहे हैं सबसे बड़ी बात थी, और उसके लिए पैसे चाहिए होते थे 50-100 रुपए जो भी होते थे उस टाइम पे, मना कर दिया तो चलो भाई 100 रुपए लगे थे जब मैं और मेरे भाई हम गए थे। हाँ तो मैं जब उस टाइम पे दिल्ली में डायनासोर आए हुए थे मतलब ये मशीन वाले वो देखने गए थे हम। तो चलो गाइज अभी फिलहाल मैं ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी बीवी के नाम पे लाइक कर दो। आपने बोला था रोज का एक डायलॉग ले लिया तो मेरे आज कुछ अलग रख दिया। अरे चलो मेरी तो अरे मेरी स्मार्टनेस के लिए लाइक कर दो, भाई की स्मार्टनेस और स्माइल के लिए लाइक कर दो, देख अच्छा मतलब कुछ भी है, मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ, स्मार्ट हो तभी तो मेरे साथ हो। अच्छा हेमलता खुद ही अपना नाम हेमलता ऐसे ही हर किसी पे हाथ नहीं रखती, रबेरे ऊपर तो रखा हुआ है हर किसी पे नहीं रखती। अच्छा समझ गया, तो चलो बाय बाय बाय।